Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are new in the channel, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when we will update any information regarding the study material or anything else. टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू अकेडमिक कैलेंडर दैट इज़ इशूड बाय द यू जी सी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक मोस्टली uh, सिक्सटीथ ऑफ मार्च से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो चुकी थी पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटीज़ में वो बंद हो चुकी थी और बच्चों के जो क्लासेज हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइड ऑनलाइन मोड में की जा रही थी बच्चों को ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया जा रहा था उनका सलेबस कम्प्लीट किया जा रहा था तो अब यू जी सी ने जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांडी Commission, जो कि एक हायर अथॉरिटी है सारी यूनिवर्सिटीज़ की उन्होंने एक नया रूल एंड रेगुलेशन इशू कर दिया है कि कैसे आगे बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाएगा तो सबसे पहले जो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे यूजीसी ने क्या कहा एग्जामिनेशन को लेकर फाइनल एग्जामिनेशन को लेकर कि सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली इंटरनल असेसमेंट पे किया जा सकता है प्रेजेंट एंड प्रीवियस सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चा प्रेजेंट uh, सेमेस्टर में है उसके प्रेजेंट सेमेस्टर का इवेलुएशन और इवन uh, जो पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का uh, जो उसका परफॉर्मेंस रहा है उस बेसिस पे भी उस बच्चे का इंटरनल असेसमेंट किया जा सकता है और जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली मंथ ऑफ जुलाई में कंडक्ट कराया जा सकता है तो बेसिकली जो सेमेस्टर एग्जाम के बेसिस पे दो गाइडलाइंस दी हैं यूजीसी ने कि प्रेजेंट और प्रीवियस ईयर के सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए इंटरनल असेसमेंट किया जा सकता है और जो एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ्स में कंडक्ट करवाया जा सकता है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए यूनिवर्सिटी दोनों मैथड्स ऑप्ट कर सकती है बेसिकली ऑफलाइन या ऑनलाइन मैथड ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन पे कि वो किस मैथड को फॉलो करना चाहती है उसके जो भी एग्ज़ाम से टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर एग्जामिनेशन क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अपने अलग 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 रूल्स होते हैं लिए सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज आ, उनके आ, सेमेस्टर एग्जाम्स चलते रहते हैं तो जिस यूनिवर्सिटी का जैसा रूल है वो उसको ध्यान में रखते हुए और अपने रूल्स को ध्यान में रखते हुए पर इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है दैट इज़ द सोशल डिस्टेंसिंग मैथड कि हर यूनिवर्सिटी को सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाना है वो एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड भी हो सकता है वो ऑफलाइन मोड भी हो सकता है तो इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी कि यूनिवर्सिटी किस हिसाब से अपने एरिया में अपने जोन में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना चाहती है अगर वो ऑनलाइन साथ जाना चाहती है तो उस हिसाब से भी बच्चों की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है और अगर ऑफलाइन करवाना चाहती है तो दैट इज़ द इन द मंथ ऑफ जुलाई तो वो उसमें भी कंडक्ट करवा सकती है इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने यह भी सजेस्ट किया है कि इनोवेटिव मोड्स भी चूज़ किए जा सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए जैसे उन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम होता है बेसिकली थ्री आवर्स का होता है तो उसको रिड्यूस करके टू आवर्स किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ और भी कई ऐसे माथड्स हैं जो ऑप्ट किए जा सकते हैं ताकि बच्चों के एग्जाम्स भी हो जाएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला भी मतलब यूनिवर्सिटी और बच्चे फॉलो कर सके और साथ ही साथ बच्चों का कोई नुकसान भी ना हो और एग्ज़ाम कंटिन्यू रह सके इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी ने एक नया रूल दिया है कि जो नया कमिंग सेशन होगा वो जो स्टार्ट होगा वो अगस्त से होगा और जो कि बच्चे अभी पास हो के अगले सेमेस्टर में जाएंगे उनके लिए जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो अगस्त से होगा और जो न्यू एडमिशन्स होंगे उनके जो सेमेस्टर स्टार्ट होंगे बेसिकली वो सेमेस्टर जो है वो सितंबर से स्टार्ट होगा सिक्स डे वीक पैटर्न होगा वर्किंग पैटर्न जो अब यूनिवर्सिटी वर्कआउट करेगी वो सिक्स डे पे बेसिकली करेगी एकेडमिक सेशन के बारे में बात करेंगे एज़ यू ऑल नो दैट नाइनटीन ट्वेंटी के बारे में कि जो कि एक जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ था बेसिकली uh, जो कि सिक्सटीन ऑफ मार्च को बीच में रुका क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक यूनिवर्सिटी शट डाउन हो चुकी थी उसके बाद uh, फिर ऑनलाइन क्लासेस सिलेबस को कम्प्लीट करवाना बच्चों से इंटरेक्शन करना बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड के थ्रू हर यूनिवर्सिटी ने अपने अपने मैथड्स के थ्रू फॉलोअप uh, किया स्टूडेंट्स को उनको पढ़ाना उनके सिलेबस को कंप्लीट कराना स्टार्ट बट अब यूजीसी ने नया स्केड्यूल uh, दे दिया है कि नए स्केड्यूल में क्या कैसे हो सकता है उसके अकॉर्डिंग uh, क्या क्या करना है यूनिवर्सिटीज़ को उसकी गाइडलाइंस यूजीसी ने दे दी है तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो एक अगस्त से इकतीस अगस्त दैट इज द वन एट टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी तो थर्टी वन एट ट्वेंटी ट्वेंटी होगा कमिस्मेंट ऑफ क्लासेस जो होंगी जो पुराने बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जाएंगे उनकी क्लासेस जो हैं वो बेसिकली एक अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी और जो नए बच्चे आएंगे उनकी क्लासेस जो हैं वो एक सेप्टेंबर से स्टार्ट होंगी वन नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा जो कि जैसे पहले की दिसंबर में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स खत्म हो जाते थे अब यू ने उसको नए साल में शिफ्ट कर दिया दैट इज़ द वन वन ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन मतलब एक जनवरी से पच्चीस जनवरी के बीच में बेसिकली जो अपकमिंग सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम्स होंगे इसके साथ साथ जो नई कमिटमेंट होगी नई कमिशमेंट होगी क्लासेस की वो आफ्टर टू डेज़ ही होंगे पच्चीस तारीख को आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा और सत्ताईस तारीख से न्यू क्लासेस जो हैं वो बिगिन हो जाएंगी डिस्पर्जल ऑफ क्लासेस जो है वो पच्चीस पाँच दो हज़ार इक्कीस तक हो जानी चाहिए जो उसके एग्जामिनेशनस होंगे इस इस सेमेस्टर के वो छब्बीस पाँच दो हज़ार इक्कीस से पच्चीस छः दो हज़ार इक्कीस के बीच में ख़त्म हो जानी चाहिए और जो समर वेकेशन दी है वो उन्होंने एक सात दो हज़ार इक्कीस से तीस सात दो हज़ार इक्कीस दी है तो ये बेसिकली नया स्केड्यूल है जो यूजीसी ने रिलीज़ किया है इसमें न्यूज़ में आया है कि ये नए सारे स्केड्यूल हैं जो यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करने हैं ये स्केड्यूल तो हर किसी को फॉलो करना है बट इसके साथ साथ यूजीसी ने जो प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं उसमें कुछ आ, कन्वीनियंस दे रखी है यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अपने अकॉर्डिंग चाहे तो उसको रीमोड्यूलेट कर सकती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन लाइन वॉट एवर दिचुएशन आर कम्फर्टेबल फॉर द यूनिवर्सिटीज़ वो उसके अकॉर्डिंग फ़र्दर रन कर सकती हैं इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए कि एक्सटेंशन ऑफ सिक्स मंथ्स पीरियड मिला है एम और पीएचडी स्टूडेंट्स को कि जो लोग पीएचडी और एम में इनरॉल्ड हैं बेसिकली फाइव ईयर की पीएचडी होती है या एम होती है तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनको बेसिकली सिक्स मंथ्स का जो है वो एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया है यू के थ्रू इसके साथ साथ यू ने यह भी कहा है कि जो पी और एम का वाइवा होता है या जो एग्ज़ाम होता है वाइवा एग्ज़ाम होता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कराया सकता है कंडक्ट करवाया जा सकता है आदर कोई भी आप वे ऑप्ट करिए कोई भी मैथड यूज करिए लाइक गूगल पे स्काईपी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल तो अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई uh, ऐसा पीएचडी वाइवा कंडक्ट करवाना चाहता है तो वो ऑनलाइन उसको कंडक्ट करवा सकता है उसके थ्रू जैसा भी यूनिवर्सिटी के लिए सुटेबल हो बच्चे के लिए सुटेबल हो जिस मेथड के थ्रू तो वहां पे उस बच्चे का वाइवा भी वहाँ पे कंप्लीट हो सकता है thank you so much uh, guys uh, watching for our channel if you have any query you can write us on the comment box or you can mail us sb scholars academy at the rate gmail.com it is mentioned in the description box thank you so much for watching